ंडर द चैप्टर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर वी आर गोइंग टू स्टडी कार्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स द मयरमेंट ऑफ द यूटिलिटी और इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी आर हैविंग वेरियस अप्रोचेज थ्रू विच वी कैन मईर द यूटिलिटी ऑफ ए कंज्यूमर कंज्यूमर को अपनी यूटिलिटी का असेसमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो अगर हम अगर देखें तो अभी तक हमने रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को हमने स्टडी किया है हमने इन कर्व्स अप्रोचेस के बारे में देखा है तो जो कार्डिनल यूटिलिटी है ये कहती है कि हम सिर्फ उसकी सेटिस्फेक्शन को रैंक क्यों करें हम क्यों ना उसकी उस सेटिस्फेक्शन को किसी न किसी यूनिट से मैयर करें और ये मयरमेंट क्यों ज़रूरी है अगर हम देखें तो कब जब भी कंज्यूमर को अपनी कंजम्पशन के डिसीजंस करना होते हैं तो उसको ये देखना होता है कि वो जो कमोडिटीज वो अशिया जिनको वो मार्केट में जा के परचेज कर रहा है वो उसको किस हद तक सेटिस्फेक्शन देती हैं या अगर हम देखें तो वो उसके लिए किस हद तक यूटिलिटी या उसको अगर हम कहें कि वो उसके एबिलिटी टू सर्वकर हम अगर जाएं कि वो उसकी ज़रूरिया को किस हद तक पूरा करती हैं क्योंकि कहीं भी किसी चीज़ की जो यूटिलाइजेशन है वो कंज्यूमर की किसी न किसी नीड को सेटिस्फाई कर रही होगी तो वो पावर या वो लेवल जो एक कमोडिटी रखती है उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने का उसको हमें किसी यूनिट्स में मयरमेंट अगर करनी हो तो वो किस तरीके से की जाए अब अगर हम देखें तो कंज्यूमर को चूंकि डिसाइड करना है कि वो एक बंडल ऑफ़ कमोडिटीज़ के मुकाबले में दूसरा अगर ले तो उसके पीछे उसके पास लॉजिक क्या हो क्या वो सिर्फ़ उन अशिया की काउंटिंग करे तो भी उसके पास होनी चाहिए और अगर दूसरी तरफ पे वो कहे कि उसको लार्जर यूटिलिटी पे पहुंचना है तो उस लार्जर यूटिलिटी का मतलब उसके पास उन यूनिट्स में क्या हो और अगर वो लार्जर यूटिलिटी पे पहुंचना चाह रहा है तो उसकी चॉइस में कैसे वो तय करे कि कितने नंबर्स का वो गेन कर रहा है जिस तरह अगर हम कहें कि स्टूडेंट्स को जब हम कहते हैं कि वो पहले 40 नंबर का उसने स्कोर हासिल किया था और अगर उसने एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव कर लिया तो वो अब पचास नंबर के स्कोर पर आ गया है तो वी कैन से कि वो अपने स्कोर को उसने इनक्रीज़ किया है तो ये हमारे लिए तभी मुमकिन होता है जब हम उसकी परफॉर्मेंस को किसी स्कोर या नंबर से मैर करते हैं तो इसी तरीके से अगर एक कंज्यूमर को अपनी चॉइस और अपनी यूटिलिटी को मैयर करना हो तो उसको करने के लिए उसकी यूटिलिटी की एक मकदार या मैग्नीच्यूड उसके पास हो जिसको वो किसी नंबर के साथ अटैच कर सके तो इसीलिए कंज्यूमर और टाइम्स अगर हम एक कंज्यूमर के ग्रुप को लें और मज़ीद अगर हम उसको इकट्ठा कर लें तो इट कैन बी द कम्यूनिटीज़ और अगर इसी फॉर्म में हम कह सकते हैं ऑफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल अगर हमने उनकी यूटिलिटीज़ को असेस करना हो तो अगेन हमारे पास उनका कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए अब इस नीड को देखते हुए कि यूटिलिटी को मैर किया जाना चाहिए कुछ अप्रोच में ये कहा गया कि यस, यूटिलिटी कैन बी मैड एंड नाउ यूटिलिटी कैन बी मैड थ्रू अ पॉइंट ऑफ द यूनिट अब वो यूनिट क्या है उस यूनिट को नाम दिया गया यूटिल्स का एंड बट दिस यूटिल पॉइंट ऑफ मेयरमेंट इज़ अ हाइपोथेटिकल पॉइंट जिस तरीके से हम अगर साइंस में बात करें कि हमारा यूनिट ऑफ लेंथ होता है यूनिट ऑफ मेयरमेंट ऑफ वेट या डेंसिटी है तो उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक होती है जिस तरह हम फोर्स के लिए कह सकते हैं कि उसका एक पूरा यूनिट है हेयर द यूनिट इज़ नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यस एनी कमोडिटी को हम अटैच कर सकते हैं कि इसकी यूटिलिटी फाइव यूटल्स है किसी दूसरे को हम कहें कि इससे हायर है तो हम कह सकते हैं इसकी सेवन यूटल्स है और नेक्स्ट की टेन यूटल्स है अब अगर इसी फॉर्म में देखें तो हमारे पास ट्रांजिटिविटी का रूल है जिसमें अब हम कहते हैं कि अगर एक गुड ए इज़ प्रेफर्ड टुवर्ड्स बी और बी इज़ प्रेफर्ड टू सी सो इनडायरेक्टली ए विल बी प्रेफर्ड टू सी तो अब ये जो प्रेफरेंस है ये तभी मुमकिन है जब हमें पता हो कि उस बंडल में जिसको उसने हायर लेवल पे प्रेफर किया था उसकी यूटिलिटी ज़्यादा है और इन अदर वर्ड वी कैन हैव द बंडल ए विल हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ द यूटिल्स देन द अदर बी एंड द बी विल हैव हायर लेवल ऑफ द यूटिल्स देन द सी और इसी तरीके से चूंकि वो तीनों बंडल्स या कमोडिटीज़ में प्रेफरेंस को एक्सप्रेस कर रहा है तो यही एजम्पन जो है हमारी ये कार्डिनल यूटिलिटी में भी हमें हेल्पफुल होगी कि अगर वो अपनी एक्सप्रेशन और अपनी प्रेफरेंस को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर दे अब इसमें एक कॉन्सेप्ट जो डैनियल बर्नोली ने ऐड किया दैट वाज दैट कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को उसने इंक्लूड किया कि जिस तरीके से एक कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी होती है और अगर हम उसपे कहें कि दैट इज़ दैट लेवल ऑफ़ सेटिस्फेक्शन या वो तस्कीन वो यूटिलिटी जो एक कंज्यूमर उस शय के किसी एक एडिशनल यूनिट से या आखिरी यूनिट से हासिल करता है तो वो आखिरी यूनिट से हासिल करदा यूटिलिटी को हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी तो लाइक वाइज डैनियल बर्नौली ने कहा कि उसी तरीके से अगर हम अपने आखिरी यूनिट या एक एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम या एक्सपेंडिचर के जरिए जो यूटिलिटी हासिल करते हैं तो हम कहें कि विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी तो इसी फॉर्म में उसने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स भी मैयर हो सकती है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को भी अगर हम कॉन्स्टेंट रखें कि वो चेंज ना हो रही हो तो देन इवन वी कैन बी एबल टू डिराइव द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटीज इन द फॉर्म ऑफ द मनी सो कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच में अगर हम देखें तो हमारे पास अब दो बड़ी टर्म्स सामने आती हैं एक है हमारे पास टोटल यूटिलिटी और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो हम कहेंगे कि दैट विल बी इक्वल to the total level of the satisfaction that consumer attains from the consumption of the various bundles or from the consumption of various commodity if a consumer is going to have additional or the marginal utility from the utilization of the commodity a then of the commodity b or of the c then there can be added up एंड लाइक वाइज ओनली द कंजम्पन ऑफ वन कमोडिटी इज़ हैविंग वेरियस मार्जिनल यूटिलिटीज मीन्स एक कमोडिटी का अगर हम एक यूनिट से जो यूटिलिटी है वो लें फिर वो जब एक से दो पे आए फिर वो मैयर करें जब वो दो से चार पर जाए तो अगेंस्ट दो है फिर हम एक यूनिट की तो ये जो फॉर ईच यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं वेन वी एडअप ऑफ ऑल दिस दैट विल गिव द कंज्यूमर इज़ टोटल यूटिलिटी इन दोनों का अगर हम ड्रा करना चाहें एक टेबुलर फॉर्म में तो हम कह सकते हैं एक सादा सी हम एग्जांपल लेते हैं कि जहाँ पे एक कंज्यूमर जो है वो कोई भी ड्रिंक या जूस परचेज कर रहा है और उसमें वो लेता है कि पहले उसने उसकी यूटिलाइजेशन के लिए हम कहें उसने एक गिलास लिया फिर दूसरा लिया तीसरा और एंड लाइक ऑन तो हम कहते हैं कि फॉर द कन्ज़म्पन ऑफ वन ग्लास ऑफ दैट ड्रिंक उसकी यूटिलिटी का लेवल थर्टी था अब चूंकि वो ऑलरेडी उसको अटेन कर चुका है तो जब नेक्स्ट पॉइंट पे गया तो उसकी तलब पहले के मुकाबले में कुछ कम हुई और अब उसकी टोटल यूटिलिटी फिफ्टी है देन ऑनवर्ड सिक्सटी है एंड लेकिन अगर हम सिर्फ इन दो पॉइंट्स के दरमियान में उसकी यूटिलिटी को मैयर करेंगे पॉइंट वन से टू पे जाते हुए जितनी उसने ली है दैट विल विल बी बी इट इक्वल टू टू फ्रॉम पे अगर हम करें तो जो सिक्सटी है वो उसको अगर हम करें तो दिस सिक्सटी माइनस प्रीवियस दैट वाज़ फिफ्टी एंड इट्स डिफरेंस इज टेन एंड फ्रॉम फोर टू थ्री के दरम्यान अगर हम मैयर करें

जो उसने यूटिलाइज की और ऑन वाई एक्सिस पे हम उसकी मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी को अगर हम एक्सप्लेन करें तो फॉर वन यूनिट ऑफ कंजम्पशन ही वाज हैविंग द यूटिलिटी ऑफ पॉइंट थर्टी एंड एट दिस पॉइंट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी कंज्यूमर की थर्टी ही थी जैसे ही वो पॉइंट टू पर आया तो पॉइंट टू पे आते ही उसकी फिफ्टी पॉइंट्स ऑफ टोटल यूटिलिटी के हो गए और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो थर्टी की बजाय ट्वेंटी के ऊपर आ गई एंड लाइक वी आर गोइंग टू ड्रा हेयर इट विल बी द टोटल यूटिलिटी कर एंड हेयर इट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी कर नाउ द पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन इज दिस कि जब टोटल यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर की वो मैक्सिमम पॉइंट होता है तो ये हमेशा उसका वो पॉइंट होता है जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है एंड उस मैक्सिमम पॉइंट ऑफ यूटिलिटी को अटेन करने के बाद उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ करती है एंड कॉन्साइडिंग टू दैट कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी भी डिक्रीज़ करती है बट नाउ बिकॉज ही हैज़ ऑलरेडी अटेन्ड ज़ीरो सो अब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी लेस देन ज़ीरो so it will be negative so here we can say that his marginal utility curve it will be increasing but with the decreasing rate so the marginal utility ka jo law hai law of diminishing marginal utility it was derived from this concept that for each progressive unit of consumption the utility of the consumer it will go on decreasing.